गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सबका भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के एपिसोड 4 में। और देख लो, मैं हो गया हूँ रेडी, और आज जा रहे हैं हम लोग गुवाहाटी को एक्सप्लोर करने के लिए। पूरे तरीके से एक्सप्लोर तो नहीं कर पाएंगे, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। कल था तो थोड़ा बहुत आसपास में मॉल वगैरह गए थे, हम लोग खाने के लिए गए थे, वो आपने ऑलरेडी लास्ट वाले वीडियो में देख लिया होगा। काफी मस्त हमें एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का पता चला गुवाहाटी में, वो आप लास्ट वाला वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और पीछे देख लो, फिलहाल अक्षय पाजी लगे हुए अपने एडिटिंग में। कैसे हो जी, कैसा चल रहा मोहित भाई? एकदम सब बढ़िया चल रहा है। आपका नींद बढ़िया हुआ? अरे आज पहला दिन, 3 दिन के बाद आज मैं सोया 7 घंटा। मैं भी भाई, नींद पूरा जबरदस्त हुआ, इसीलिए हम लोग सुबह मिस हो गए, कामाख्या टेम्पल नहीं जा पाए। बट कोई नहीं, चलो बाकी हमारा जो आइटनरी में जो 2-3 प्लान है वो करते हैं, मजा आएगा। आज भी तो जाएंगे, थोड़ा बता दूं कि नहीं अभी? हाँ एकदम बता। अच्छा, आज जा रहे हैं हम यहाँ पर शिवा टेम्पल है, वहाँ पर जाएंगे, और उसके बाद हम ब्रह्मपुत्र रिवर में सनसेट का नजारा लेंगे क्रूज के अंदर। क्रूज के अंदर पूरा वीडियो देखोगे मजा आ जाए। वो वीडियो में बने रहो, आपको सब कुछ मैं बताऊंगा। रेडी? हाँ जी, तो अभी मैं आ गया हूँ लंच करने के लिए, और यहाँ पे देख लो लगा हुआ है लंच बुफे। वैसे आज आइसक्रीम भी है साथ में, ये पनीर, वैसे नाम नहीं लिखा हुआ है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, पनीर मटर पनीर है ये। दाल, आलू की सब्जी, ये मिक्स सब्जी, वही ट्रेन वाला अपना खाना है, जीरा राइस, नॉर्मल राइस, यहाँ पे नान, पापड़, सैलेड। तो हाँ ओवरऑल देख लो यही अपना लंच है आज का। और अभी थोड़ा देर पहले वो डोसा खाए थे ना, अभी भी लग रहा है पेट भरा ही हुआ है, तो थोड़ा सा सोच रहे लंच कर ले, क्योंकि अभी सारा प्रोग्राम बाहर ही है, इवनिंग तक कुछ खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले ही लंच कर लूँ थोड़ा सा। ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने कर लिया है चेकआउट, और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं शिवा टेम्पल। अब एक ही बार दूसरे लोकेशन पर मिलते हैं। चलो जी, अपना कैब आ चुका है, जाते हैं अंदर। तुम फ्रंट में ही बैठ गई? ठीक है, बढ़िया। चलो जी, अभी हम लोग कैब से निकल चुके हैं, जा रहे हैं अपने लोकेशन पे। एक्चुअली गुवाहाटी में ऑलवेज ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, स्पेशली वो जीएस रोड में। अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं, देख लो ये जलपरी पार्क है कुछ, ये तो एकदम संभल के जाना होगा यार, ये तो पूरा डेंजर बना हुआ है यार यहाँ पे। हील वाले का तो आज हो जाएगा, बैंड बज जाएगा भाई साहब। ये थोड़ा सा डेंजर था, पता नहीं चल रहा होगा लेकिन डेंजर था थोड़ा। देख लो जी, फाइनली द माइटी ब्रह्मपुत्र। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे उमानंदा टेम्पल, जो कि एक आइलैंड में बना हुआ है, और ये जो है ना आइलैंड वर्ल्ड का बोल सकते हो आप सबसे छोटा इनहेबिटेड आइलैंड है। मौसम अभी उतना साफ नहीं है, नहीं तो वो दूर में छोटे छोटे पहाड़ जो दिख रहे हैं ना, और भी कमाल का लग रहा है दिखने में। ऑलराइट, तो देख लो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने स्टीमर में, बोट में, जो भी बोल लो आप। ये क्या हो गया? सायरन बज गया, मतलब अभी हम लोग निकलने के लिए रेडी है। फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं उमानंदा टेम्पल के लिए, अभी देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है जाने में। क्या नजारे हैं भाई, अभी पूरा ऊपर बादल है, बारिश हो सकता है, बढ़िया लग रहा है जो भी बोलो। वैसे देख लो यहाँ पे केबल कार भी है भाई, ये तो पता ही नहीं था मुझे, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। द माइटी ब्रह्मपुत्र रिवर, फाइनली हम लोग अपने लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। मेरे को तो लग रहा है यही है, क्योंकि काफी लोग देख लो वहीं पे उतर रहे हैं। चलो जी देख लो, वापस से ट्रैकिंग है, थोड़ा ही सा ट्रैकिंग है बस ऊपर तक का, दर्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चले जाएंगे ऊपर। तो केबल कार से हम आ सकते हैं कि नहीं बता देना कमेंट में, हमारा तो वैसे फर्स्ट टाइम है, उतना आइडिया नहीं है। चलो ऊपर तो आ चुके हैं, अभी थोड़ा सा और बाकी है, जाते हैं ऊपर तक। मैं तो अपना लैपटॉप बैग ले आया, पता नहीं अलाउ है कि नहीं है। देख लो जी फाइनली पहुंच चुके हैं टेम्पल, चश्मा के अंदर मेरा थकान आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से आइडिया लगा लो भाई साहब। अभी लाइन देख लो, अच्छा खासा लाइन है, तभी साइड में खड़े हो गए, जब थोड़ा खाली होगा तभी जाएंगे। चलो जी फाइनली दर्शन हो गया हमारा, और अंदर में देख लो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, बाहर से ही देख लो मंदिर का दर्शन कर लो, अंदर नहीं दिखा सका सॉरी। चलो जी हमारा दर्शन तो हो गया, और यही है थोड़ा सा आपको ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ेगा, सीढ़ियां है, हो सकता है आराम से, सीनियर सिटीजन जा रहे हो तो नॉर्मल तो आप जा ही सकते हो आराम से। ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे बैठ गए हैं, अभी बढ़िया सा सनसेट एंजॉय कर रहे हैं यहाँ से, और सच बता रहे हैं मेरे को वो केबल कार राइड लेने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। ऐसे किनारे बैठ कर ना बहुत बढ़िया लग रहा है, सच बता रहा है। अभी वैसे टाइम देख लो कितना हो रहा है, 4:15 हो रहा है, कम से कम हमें 5:30 बजे तक यहाँ पे वेट करना है, चाहे तो हम लोग चिल मार सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं।
देख लो जी अभी क्या प्यारा सा सनसेट हो रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर में, और देख लो क्रूज अपना पूरा भर चुका है और यहाँ चल रहा है अभी फोटोशूट। उमानंदा टेम्पल से आने के बाद अभी हम लोग चले गए थे बाहर चाय वगैरह पीने के लिए, और अभी हमारा होगा ब्रह्मपुत्र रिवर में क्रूज राइड। तो ये देख लो हमारा बोट भी रेडी है नीचे। मैं लास्ट टाइम भी जब गुवाहाटी आया था ना तो काफी लोगों ने मुझे बोला था कि मोहित भाई ये ट्राई करो जाते हैं। तो देख लो जी हमारा क्रूज यहाँ से निकल चुका है। अभी सबसे पहले हमें वाटर बॉटल सर्व किया गया है, देख लो। अब उसके बाद देखते हैं क्या क्या मिलता है, पकौड़ा वगैरह बहुत कुछ मिलेगा। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देख लो वैसे चांद तो आपको दिख रहा है, चांद के नीचे जस्ट चांद के नीचे देखो तारा, ऐसा मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ऐसा मुझे कभी नहीं दिखा। पता नहीं कैमरा में उतने अच्छे से नहीं आ रहा होगा। चलो जी अभी हम लोगों ने कैब ले लिया है कैब नहीं लिया टैक्सी, ये IRCTC वालों ने प्रोवाइड किया है। तो ये देख लो गुवाहाटी स्टेशन आ चुका है हमारा। रश कितना लग रहा है गुवाहाटी स्टेशन, सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है गुवाहाटी स्टेशन बाहर से। तो जाते हैं अपने वापस से ट्रेन में बोल सच्चे दरबार की। एक बार जयकार हो जाए, बोल सच्चे दरबार की जय। तो ये देख लो जी गुवाहाटी स्टेशन बाहर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है रात में ये। और आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं नाहरलगुन के लिए। यार दिन में कवर करना था इस रूट को। देखो ये जो कुछ रूट मैं आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट के, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो नाहरलगुन दे दिया, नाहरलगुन जोरहाट और अगरतला वाया बदरपुर हो गए, जो सेक्शन है भाई क्या सेक्शन जबरदस्त। लेकिन मैं प्रे कर रहा हूँ शायद हम 9 बजे निकलेंगे तो मे बी शायद हमारे को 1 घंटे का कोई दिन का दिख जाए, दिन का शॉर्ट्स मिल जाए, मिल जाए तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। कोई नहीं आगे वीडियो देखते रहो आपको सब कुछ पता लग जाएगा, सब कुछ पता लग जाएगा। मे बी हो सकता है हम वीडियो यहीं एंड कर दें, बातचीत चालू है, बातचीत चालू। ये थोड़ा अलग टॉपिक है, वो बाद में कभी शेयर करेंगे आपसे। फिलहाल वही है, अभी रेलवे स्टेशन हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, देख लो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन हमारे जस्ट पीछे, और बहुत दिनों बाद इधर आ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। और भाई ने जबरदस्त हमारा फोटोज क्लिक किया है, जैसे ही जाएंगे कोच में अपने सारा लैपटॉप लेकर तुम्हारे आएंगे कूप में, दे देना भाई। देख लो भाई अभी हम लोग थे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर, अभी ये सभी को आए मिलने के लिए। और ये क्या है पीठा, ये पीठा है, अच्छा नारियल का बना हुआ पीठा है, चाल का, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। और आप बता रहे थे आपका व्लॉग चैनल भी है कुछ, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भी चेकआउट करूंगा एक बार। और ये भाई तो आया ही था मिलने के लिए जब हम लोग आए थे, तो आज दोबारा मिलेंगे, चलो कब मिलेंगे लेकिन आज मिल गया, ये चीज तो याद रहेगा। लेकिन थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच जरूर जरूर, टेक केयर। ये फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन में, ये खड़ी अपनी ट्रेन H4 अपना कोच आ गया है, कैसे है देखते हैं। अपना डी कूप इसको छोड़कर गए थे एकदम नीट एंड क्लीन, कैसे छोड़कर गए थे और कैसा मिला है देख लो। एक वाटर बॉटल हमारा उधर, 2 वाटर बॉटल हमारा इधर, हमारा लगेज इधर, एक अपना लगेज नीचे, और ये हमारे सब्सक्राइबर ने दिया हमें, थैंक यू सो मच। तो देख लो जी अपना ये कूप है, क्या मस्त साफ सुथरा। और एक चीज मुझे काफी अच्छा लगा, बेडशीट वगैरह सब कुछ इन्होंने नया दिया है, ऐसा नहीं कि उसी को ठीक करके वापस से बिछा दिया है, नहीं सब कुछ एकदम नया है देख लो, इनफैक्ट जो टाल है वो भी एकदम नया। चलो भाई अभी मस्त एकदम नींद तो बहुत बढ़िया वाला आएगा, लेकिन अभी जिस रूट पे हम लोग जा रहे हैं ना भाई उसके बाहर के नज़ारे दिखाने हैं, बट रात में क्या ही दिखा पाऊंगा आपको। होप कि थोड़ा डिले हो अपना ट्रेन और सुबह कुछ 1-2 घंटे मिले हमें बाहर का नज़ारा दिखाने के लिए, बाकी तो अपने कूप का टूर ऑलरेडी मैंने दे रखा है। तो चलो जी गुवाहाटी स्टेशन से हमारा ट्रेन निकल चुका है नाहरलगुन के लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं नाहरलगुन जाने के लिए, बहुत दिनों का प्लान था मेरा, फाइनली अभी मौका मिला है मुझे। बाय बाय गुवाहाटी, बस 2 दिनों के लिए था लेकिन भाई मजा आ गया। अभी वैसे टाइम देख लो 9:30 बज रहा है और अभी हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए, तो दिखाते हैं आज डिनर में क्या क्या है। अभी हम लोग सभी को आ गया है रेस्टोरेंट में, भूख नहीं है वैसे अभी हम लोग आ गए डिनर करने के लिए, और ये तो आज अलग ही तामझाम है। चलो जब अपना डिनर लेते हैं तो दिखाते हैं, सूप नहीं पियेंगे, सूप के लिए ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, अभी सूप पीने का मन नहीं है। तो देख लो जी ये गर्मा गर्म है आज का डिनर अपना, राइस है, जीरा राइस है, खिचड़ी है,
पनीर है, आलू परवल की सब्जी है, दाल है, मस्त एकदम प्लेन सिंपल अपना खाना। अभी जस्ट मैं डिनर करके आया और भाई डिनर तो नो डाउट इनका बहुत अच्छा है। मैं सच बता रहा हूँ, होटल और बाहर से अच्छा मुझे ट्रेन का ही खाना लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि यार होटल में ना स्टे करा के ट्रेन पे स्टे करवाते हैं, इतना बढ़िया लग रहा है ट्रेन। और ये जो मेरा कूप है ये तो खैर घर के तरह हो गया है अपना, तो वही अभी एक काम करते हैं, जाते हैं सोने के लिए। ऑलरेडी अभी देख लो रात का 11:30 बज चुका है, सुबह शायद जब तक हम लोग उठेंगे तब तक शायद हम लोग पहुंच चुके होंगे नहरलागुन। तो देखते हैं कैसे क्या होता है प्लानिंग, सब कुछ आपको कल पता चल जाएगा। फिलहाल अभी करते हैं लाइट्स ऑफ और मिलते हैं एक ही बार सुबह। और देख लो लाइट्स ऑफ करने के बाद कुछ ये माहौल रहता है। लगभग सुबह का 5 बज रहा है और हमारा ट्रेन पहुंच चुका है नहरलागुन। अभी दिख नहीं रहा होगा, बाहर डार्क है बहुत ना, इसलिए बहुत सारा काम है करते हैं क्योंकि अभी वैसे भी ट्रेन में ही रहना है। ओ भाई, तो देख लो जी अभी सुबह सुबह का ये कुछ माहौल है नहरलागुन का। तो देख लो जी अभी टाइम हो रहा है सुबह का एग्जैक्ट 5:09 हो रहा है। इसके आगे हम लोग को बाइक बस या बाइक कैब जाना पड़ेगा, देखते हैं क्या लेते हैं हम लोग। बाकी पूरा स्टेशन खाली है, देख लो कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। और अभी सुबह का इतना बढ़िया वेदर है ना, माहौल है, मतलब उतना ठंड नहीं लग रहा है यहाँ पे, बस वॉक करने का मन कर रहा है। तो एक काम करते हैं, ट्रेन तो अभी अपना मस्त यहीं पे रुकेगा, तो अभी वो वाले एंड से पूरा एकदम इस एंड तक वॉक करते हैं। तो देख लो जी मैंने सुबह सुबह आपको ये स्टेशन दिखाया था लगभग 5:15 में। भाई अभी टाइम बता दो, अभी एग्जैक्ट टाइम सुबह के 8। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसा नींद कैसा हुआ पहले ये बताओ। अरे चलो कोई नहीं, समझ सकते हैं, हमारी आंखों में देखिए आपको सच्चाई नजर आएगी। गलत नहीं है, बंदे गलत नहीं है। वैसे आज का प्रोग्राम क्या है, कुछ आइडिया? अभी तो वैसे शेड्यूल आया है, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, जैसा भी होगा आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा, देखने में क्या रहेगा। और हाँ, ब्रेकफास्ट करना है टिल 8:39 हमें निकलना है यहाँ से, निकलना पता लगा है, तो 8 बज गए, जल्दी से ब्रेकफास्ट सबसे पहले करना। तो यही सीन है अभी, अभी मेरा भी वीडियो एडिट हुआ नहीं है तो जाके उसको कंप्लीट करते हैं, फिर अपलोड भी करना है, फिर ब्रेकफास्ट भी करना है। चलो जी अभी मैं फ्रेश होकर आ गया हूँ, जाते हैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट करके आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, 9 बजे हमें यहाँ से निकलना होगा। ऑलरेडी अभी 8:30 बज चुका है, जाते हैं इनके रेस्टोरेंट में। तो ये आ गया जी अपना ब्रेकफास्ट, कटलेट है, पराठा है। एक्चुअली हमें आते हुए बहुत लेट हो गया, देख लो 9 बजे यहाँ से निकलने का प्लान है। और ये देख लो हम लोगों ने पराठा लिया, मटर आलू का पराठा है और साथ ही ये कटलेट बहुत बढ़िया। चलो जी सबसे पहले ट्राई करते हैं पराठा। पराठा और दही का कॉम्बिनेशन भाई, ये ऑलवेज बेस्ट है। वैसे हम लेट है ये हमारी गलती है, लेकिन फिर भी खाना गर्मा गर्मा ये मेरे को बहुत अच्छा। भाई काबिले तारीफ इनका काम है, इतनी लेट आए ये बंदे, सुबह 6 बजे 6:30 बजे से लगे हुए हैं। हाँ। कोच में कॉफी देते हैं, चाय देते हैं, इनकी मेहनत को एक लाइक बनता है, लाइक बनता है भाई, लाइक बनता है। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। अभी भी देखो मुस्कुराहट है चेहरे पे। ये बात मेरे को बहुत बढ़िया लगा, मैं पूछा इनसे ब्रेकफास्ट हो जाएगा, एकदम हंसते हुए सर जरूर बैठिए हो जाएगा। अभी जस्ट हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ, अभी देख लो लैपटॉप बैग लेके निकल गया हूँ मैं। वैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि जितना कम हो सके सामान लेके निकलो, लेकिन मेरा एडिटिंग अभी तक हुआ नहीं है इसलिए मैं अपना लैपटॉप बैग वगैरह लेके ही निकला हूँ, कहीं भी मौका मिलेगा एडिट करके अपलोड कर दूंगा वीडियो। अभी देखते हैं साइट सीन सब होगा, कहाँ कहाँ घुमाते हैं आपको भी दिखाते हैं। वाह, ये हमारे वेलकम के लिए, वेलकम टू ईटानगर रंगिया डिवीजन NF रेलवे। और ये देख लो वेलकम काफी अच्छे तरीके से हुआ है हमारा, अभी देखते हैं अपना वाला टैक्सी कौन सा है, उसमें बैठते हैं आराम से। और ये देख लो नहरलागुन स्टेशन बाहर से, क्या खूबसूरत स्टेशन है यार। तो ये आ गया अपना व्हीकल, व्हीकल नंबर 15, ये स्टेशन नहरलागुन। बाकी देखते हैं, घूमते हैं, आपको भी घुमाते हैं कैसा है ईटानगर, कैसा है अरुणाचल, एक दिन में जितना हो पाएगा उतना ही घूमेंगे। तो एक काम करते हैं, ये वाले वीडियो को अलग कर देते हैं और ये वीडियो को यही पे एंड कर देते हैं क्योंकि वो मिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुवाहाटी वाला भी पार्ट है ना और ये ईटानगर वाला पार्ट, दोनों मिक्स हो जाएगा। तो ये वीडियो को यही पे एंड कर देते हैं। अगर यहाँ तक ये वीडियो देख ले तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।